नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अयोध्या में जल्द बने राम मंदिर, राज्यपाल राम नाइक ने कहा। संवैधानिक पद पर बैठे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि भारतीय नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फैजाबाद स्थित अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नाइक ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। यह भारतीय नागरिकों की इच्छा है और यह इच्छा पूरी होनी चाहिए। दूसरी ओर साक्षी महाराज ने भी नाइक का समर्थन करते हुए कहा कि बाबर आक्रमणकारी था, वह किसी का रिश्तेदार नहीं था, अतः अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। गौड़से पर गरमाई लोकसभा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा नाथूराम गौड़से को देशभक्त बताने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और हे राम गांधी जी के हत्यारे को मिला सम्मान के नारे लगाने लगे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रतिदिन प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस मिल रहा है और यह ठीक नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हंगामे से विचलित महाजन ने कटाक्ष किया, क्या कल से 5 मिनट माफी के लिए बना दूं? ISIS के ट्विटर अकाउंट को हैंडल करता है भारतीय। दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके ISIS के बारे में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ब्रिटेन के चैनल 4 ने दावा किया है कि ISIS के ट्विटर अकाउंट को एक भारतीय हैंडल करता है। इस खुलासे के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इस मामले की खोजबीन में जुट गई हैं। चैनल के अनुसार ट्विटर पर ISIS के इस अकाउंट को मेहंदी नामक एक भारतीय चला रहा है। मेहंदी बेंगलुरु में एक MNC में काम करता है। यह भी दावा किया गया है कि मेहंदी ISIS में शामिल होना चाहता है। पीके की कामयाबी के लिए अनुष्का शर्मा ने किया रुद्राभिषेक। रिलीज के लिए तैयार फिल्म पीके की कामयाबी के लिए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने हरिद्वार के अनंतेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। हमारे उत्तराखंड संवाददाता के अनुसार अनुष्का ने फिल्म के सही सलामत रिलीज होने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उल्लेखनीय है कि फिल्म पीके के एक विवादित पोस्टर के चलते इस फिल्म का प्रदर्शन रोकने की एक याचिका मुंबई की अदालत में लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि रेलवे ट्रैक पर रेडियो लेकर खड़े आमिर खान का पोस्टर अश्लील और अभद्र है।